छत्तीसगढ़ में बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार को सत्ता संभाले अभी 9 महीने भी नहीं बीते हैं और पार्टी के अंदर जबरदस्त घमासान मच गया है। पार्टी के नेता ही साय सरकार के फैसलों का विरोध करने लगे हैं, क्वेश्चन उठाने लगे हैं। कोई विधायक लेटर बम फोड़ रहा है तो कोई सांसद बैठकों और सभाओं में सरकार की नीतियों में ही खामियां ढूंढ रहा है। हालांकि फिलहाल सब कुछ पार्टी के अंदर ही अंदर फूट रहा है, लेकिन सियासत में अंदर की बातें कब बाहर आ जाती हैं और बवाल मच जाता है कुछ कहा नहीं जा सकता। पिछले कुछ दिनों में 2 सांसद और 3 विधायक मुख्यमंत्री साय के फैसलों पर तीखा विरोध जता चुके हैं। एक ने मोदी की गारंटी पर सवाल उठाया तो दूसरे ने कीमतों में इजाफे का मुद्दा उठा लिया। यही नहीं, प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर कांग्रेस समेत बीजेपी के विधायक भी चिट्ठी लिखकर लोगों की सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। आखिर बीजेपी छत्तीसगढ़ में कैसे उठ रही सरकार के खिलाफ आवाजें, बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। अभी पूरा नहीं हुआ छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार का गर्भकाल और साय सरकार के फैसलों और नीतियों पर पार्टी में मच गया घमासान। और मोदी जी की गारंटी के रूप में हमने इसको किया है, तो मोदी गारंटी झूठी ना हो उस पर विश्वास बना रहे कर्मचारी अधिकारियों का, इसलिए इसको तत्काल आप निर्णय लीजिए, नहीं तो अब धीरे धीरे आग सुलग रही है, तब विस्फोट स्थिति आ जाएगी, मैं नहीं जानता। आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। लोकसभा के सांसद अगर सरकार पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि मोदी की गारंटी लागू नहीं हो रही है, मोदी की गारंटी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, मोदी की गारंटी हुई सरकार ने पूरी तरह से फेल कर दिया है, मतलब समझ जाइए। विपक्षी दल कांग्रेस तो छोड़िए, छत्तीसगढ़ में खुद बीजेपी के सांसद और विधायक ही साय सरकार पर हमला बोलने से गुरेज नहीं कर रहे। अभी हमने उसी विरोध की कुछ बानगी दिखाई है। किसी भी प्रदेश में कोई नई सरकार बनती है तो जाहिर तौर पर उसके कामकाज का आकलन होता है, लिहाजा छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की साय सरकार के कामकाज का आकलन किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा अपने ही नेताओं से अच्छी खासी दिक्कत हो रही है। बीजेपी के सीनियर सांसद और विधायक अपनी ही सरकार के फैसलों और नीतियों का विरोध कर रहे हैं, कुछ बैठकों और सभाओं में तो कुछ चिट्ठी पत्री के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से कुछ उदाहरण बता रहे हैं। पहला उदाहरण, बीजेपी सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने लिखा, सीमेंट कंपनियों पर नकेल कसे मुख्यमंत्री। रायपुर से बीजेपी के वरिष्ठ सांसद, 8 बार के विधायक और दशकों तक मंत्री रहे ब्रजमोहन अग्रवाल ने 6 सितंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक चिट्ठी लिखी। ब्रजमोहन अग्रवाल ने सीमेंट की कीमतों में 50 रुपए प्रति बोरी के इजाफे पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। अग्रवाल ने लिखा कि सीमेंट कंपनियों ने आपस में साठ गांठ कर कीमतों में इजाफा कर दिया है, लिहाजा सरकार सीमेंट कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए और बढ़ी कीमतों को वापस ले। उदाहरण नंबर 2, दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा, मोदी की गारंटी पूरी करे सरकार। दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल ने 5 सितंबर को मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर बीजेपी के मैनिफेस्टो की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को केंद्र के बराबर डीए, लंबित महंगाई भत्ते का भुगतान और समयमान वेतनमान कब मिलेगा। बीजेपी ने मैनिफेस्टो को मोदी की गारंटी बताया था और कर्मचारियों ने मोदी की गारंटी मानकर पार्टी को समर्थन भी दिया। प्रदेश में मोदी की गारंटी लागू है, लेकिन सरकार के स्तर पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे कर्मचारियों में खासी नाराजगी है, जो बेहद चिंताजनक और दुखद है। यही नहीं, सांसद विजय बघेल ने दुर्ग संभाग के आवासीय पेंशनर्स महासंघ की बैठक में इस बात का खुलकर इजहार भी किया था। अभी जब दिल्ली गए थे मुख्यमंत्री जी, तब भी मैं पूर्णता से इस बात के रोका हूँ कि आप लोग ज्यादा दिन इसको उलझाइए मत, अपनी हंसी मत उड़ाइए। अब अगर कर्मचारी आंदोलन में होंगे, उस आंदोलन में मैं खुद जाऊँ। संयोजक आपने बनाया था और मोदी जी की गारंटी के रूप में हमने इसको किया है, तो मोदी गारंटी झूठी ना हो उस पर विश्वास बना रहे कर्मचारी अधिकारियों का, इसलिए इसको तत्काल आप निर्णय लीजिए, नहीं तो अब धीरे धीरे आग सुलग रही है, कब विस्फोट स्थिति आ जाएगी, मैं नहीं जानता। उदाहरण नंबर 3, बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने लिखा, अपराधियों पर अंकुश लगाए सरकार।
रायपुर उत्तर से बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने डिप्टी सीएम अरुण साव को चिट्ठी लिखकर शहर में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों के बारे में ध्यान दिलाया। पुरंदर मिश्रा ने लिखा कि आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए शहर के प्रमुख बाजारों में सीसीटीवी लगाए जाएं ताकि अपराधियों पर नियंत्रण किया जा सके। उदाहरण नंबर 4, महादेव सट्टा ऐप स्कैम के आरोपी हेड कांस्टेबल्स पर मेहरबानी क्यों कर रही सरकार। छत्तीसगढ़ पुलिस के हेड कांस्टेबल संदीप दीक्षित और राधाकांत पांडे कांग्रेस की पिछली सरकार के कार्यकाल में महादेव सट्टा ऐप स्कैम मामले में सस्पेक्टेड थे, जिन पर बीजेपी की नई सरकार मेहरबान रही। दोनों पुलिस कांस्टेबल्स को थाने से क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर किया गया था। रायपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखकर गृहमंत्री विजय शर्मा ने मंत्रालय में रायपुर के सभी विधायकों और पुलिस अफसरों की ज्वाइंट मीटिंग ली। मीटिंग में गृहमंत्री के सामने पार्टी विधायक रायपुर आईजी और एसपी पर बिफर पड़े थे। विधायकों ने खुलकर कहा था कि महादेव सट्टा ऐप मामले के आरोपी दो सिपाहियों को क्राइम ब्रांच में पोस्टिंग कैसे दे दी गई। विधायकों की नाराजगी के बाद दोनों कांस्टेबल्स का तबादला फिर से थाने में कर दिया गया, लेकिन जब मामले की जानकारी बीजेपी विधायकों को लगी तो वो फिर नाराज हो गए। विधायकों ने गृहमंत्री से बातचीत कर एक बार फिर कड़ी नाराजगी जताई, जिसके बाद सरकार ने अब दोनों कांस्टेबल्स को पुलिस लाइन भेज दिया है। उदाहरण नंबर 5, छत्तीसगढ़ में बेखौफ चल रहा नशे का कारोबार, बुजुर्ग महिला ने रोका स्वास्थ्य मंत्री का काफिला। सरकार के प्रति माननीयों की नाराजगी का यूं कहें कि सरकार के फैसलों से नाखुशी के कुछ उदाहरण तो आपने देख और सुन लिए। अब बताते हैं कि आम जनता भी किस तरह मंत्रियों का रास्ता रोककर शहर में बढ़ रहे नशे के कारोबार की शिकायत कर रही है। नशे के कारोबार के विरोध में कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग महिला ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का रास्ता रोक लिया। बुजुर्ग ने कहा कि उनके आसपास के क्षेत्र में नशे का खुलेआम कारोबार चल रहा है और खासकर बच्चे नशे की गिरफ्त में जकड़ते जा रहे हैं। देखिए, घर में बर्बादी चल रहा है, दारू पुलिस से कौन है? उनका एड्रेस मालूम है? पूरा मालूम है। आप भी मालूम से? नहीं पूरा नहीं। एसपी साहब बोल देना कि वहाँ तत्काल में बहुत पहले हमने। अब जब बीजेपी के नेता ही अपनी सरकार के विरोध में उतर आए हैं तो भला कांग्रेस कैसे चुप बैठेगी? बीजेपी सांसद विजय बघेल ने एक कार्यक्रम में मोदी की गारंटी पर सवाल उठाए तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने उन्हें मर्द कहते हुए लंबा चौड़ा एक्स पोस्ट किया और कहा कि साय सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। पहली बार पूरी मीटिंग में माननीय विजय बघेल जी सांसद, उन्होंने खुलकर कहा, दूसरी बार चिट्ठी भी लिखे। मैंने कहा परसों कि विजय बघेल पार्टी का नेता होने के बाद भी सच्चाई बोलने से परहेज नहीं किया, इसलिए विजय बघेल जी मर्द है। और इससे साफ साफ है कि एक लोकसभा के सांसद अगर सरकार पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे कि मोदी की गारंटी लागू नहीं हो रही है, मोदी की गारंटी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, मोदी की गारंटी कोई सरकार ने पूरी तरह से फेल कर दिया है, मतलब समझ जाइए कि हम लोग मोदी की गारंटी पे शुरू से प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। हम लोग शुरू से बोल रहे थे कि सरकार सिर्फ झूठ बोलकर काम कर रही है, सिर्फ कागजों में काम कर रही है, सरकार जमीनी स्तर पर कुछ भी काम इस सरकार ने नहीं किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मुद्दे को हाथों हाथ लिया और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज नहीं रहा। आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। इस मामले में विधानसभा में भी हम लोगों ने 2 दिन तक के स्थगन लाया था, उसके बाद भी लगातार स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी, राजधानी में है कितने चाकूबाजी हो रही है, गोली चल रही है, इसके बारे में आप सबको पता है। इधर सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास अपनी ही पार्टी के नेताओं के सवालों के कोई स्पष्ट जवाब तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के सवालों के जवाब में वो कहते हैं कि कांग्रेस का काम ही विरोध करना है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। इस सरकार का, विष्णुदेव सरकार का स्पष्ट मानना है संविधान के आधार पर सरकारें चले और कानून का राज हो, किसी व्यक्ति विशेष का राज ना हो, कानून किसी की जेब में ना हो। पहले कुछ ऐसा हुआ है और उन सबका उपचार किया जाएगा, निराकरण किया जाएगा। कानून का राज स्थापित हो, ये आवश्यक है, इसी दिशा पे काम होगा।
कुल मिलाकर मुख्यमंत्री चौतरफा घिर गए हैं और अब उन्हें अपनी सौम्य और सरल छवि से बाहर निकलकर कठोर मुखिया की छवि दिखानी पड़ी। उन्हें लोकप्रिय योजनाएं लागू करने के साथ ही कुछ सख्त फैसले भी लेने होंगे, क्योंकि उनके सिर पर कांटों भरा ताज है जो आगे चलकर और भी बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।